प्रेमिकाओं का कोई नाम नहीं होता, उनका कोई चेहरा नहीं होता। प्रेमिका का नाम जोर से नहीं पुकारा जाता, सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें अनदेखा किया जाता। प्रेमिका एकांत की होती है साथी, जैसे जोड़ा दिया और बाती। पिता की मृत्यु से टूटा, घर के झगड़ों से रूठा, प्रेमिका की बाहों में पना पाता, दुखों का अस्थि कलश ले आता और प्रेमी तुरंत शिशु बन जाता। प्रेमिका इस शिशु को मन में धारण कर लेती और अपने आंचल में छिपा लेती। प्रेम का यह सबसे पवित्र क्षण होता है, लेकिन केवल एकांत में संभव हो पाता। प्रेमिका सुख की सबसे आखिरी हिस्सेदार होती है, पर दुख में पहली वफादार भी होती है। कहता है, तुम तो 29 में भी 19 की लगती हो, जिंदगी की कड़वाहट दूर करने के लिए चाय भी मीठी देती हो। ऑफिस की खुशी में सबसे पहले पत्नी को फोन करता है और घर की ईएमआई भरने के लिए प्रेमिका की आगे रो देता है। वो कहती है, कितने पैसों का इंतजाम करूं? प्रेमी कहता है, कैसे ना चाहते हुए भी इनकार करूं? कभी अचानक बाजार में प्रेमी के टकरा जाने पर और साथ में प्रेमी की पत्नी के पहचान लिए जाने पर। अगले दिन प्रेमी बताता है, पत्नी पूछ रही थी कल वाली लड़की कैसे गले पड़ी थी। प्रेमिका भी नहीं बता पाती कैसे उसने रुलाई पर काबू किया और ले आती है सारा सब कुछ जो कल प्रेमी के लिए कल खरीद लिया। निकलते निकलते कहता है प्रेमी, अब जा रहा हूं घर, कॉल मैसेज न करना। सुनकर बात ये रख लेती है दिल पर पत्थर और पकड़ लेती है एक कोना। ये अजीब होती है, हाँ सच में कितनी अजीब होती है प्रेमिकाएं।